मैंने आपको बताया आइसोबैरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो चेंज इन प्रेशर पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयरफॉर डेल्टा पी इक्वल टू जीरो. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. ये फॉर्मूला भी डराइव होगा जब आइसो कोर एक प्रोसेस आएगी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उस केस में वर्क डन जीरो होगा और क्यू की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल्स हो जाएगी. और जैसा कि आपको पता है क्यू की वैल्यू होगी एन सी पी डेल्टा टी, जो कि डेफिनेशन है सी पी की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज वन केल्विन ऑफ टेम्परेचर एंड टोटल अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर एंड वर्क डन इक्वल टू dW as first law of thermodynamic state dW dQ equal to dU plus dW dW equal to dQ minus dU implies dW equal to n cp एन सी पी माइनस सी वी डेल्टा टी वर्क डन इक्वल टू एन आर डेल्टा टी एज सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर. ये रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये रिजल्ट यहाँ से सिंप्लीफाई होके इस रिजल्ट के थ्रू आता है. अगर ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर रखेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर वर्क डन कैलकुलेटेड टू बी एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा यू क्यू डब्लू ये तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हमने. और जहाँ तक ग्राफ की बात करें तो इसका पी वी ग्राफ ग्राफ होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन एज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट पी पी वी वन वी टू और वर्क डन होगा ये. सो आइसोबैरिक प्रोसेस की तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, डेफिनेशन इज पी कॉन्स्टेंट, वर्क डन फाइंड कर लिया ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली. अब हम बात करेंगे आइसो कोरिक प्रोसेस की. सो आइसोकोरिक प्रोसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहेगा और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा क्यू के इक्वल हमेशा रहेगी. तो लिखते हैं इस बात को आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो, therefore work done equal to zero. और Q की value यहाँ पर होगी n molar specific heat for constant volume into delta T for constant volume as V is constant. Therefore, delta U Q
की वैल्यू आएगी एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू जो कि हम फॉर्मूला की तरह यूज करते रहे हैं, डेल्टा यू की वैल्यू आती है एन सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा यू है आपका स्टेट फंक्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर। तो किसी भी प्रोसेस में हो, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक और एडियाबैटिक, आपका डेल्टा यू की वैल्यू, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, हमेशा डेल्टा टी पे डिफाइन करेगी। तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, आप कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। जिस तरह आइसोकोरिक में ये प्रूफ हुआ, आप कहीं भी इसकी वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। सी वी होगा स्पेसिफिक हीट फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें पी वी, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो मैंने पहले भी ये करके बताया, प्रेशर पी वन, प्रेशर पी टू,